अभी जल्दी ही विकी कौशल को आप बार बार यहाँ पर देखेंगे। किस तरह की फिल्में आप? हर किस्म की। मुझे गोविंदा सर की फिल्में देखना बड़ा पसंद था, अक्षय कुमार सर की फिल्में, शाहरुख सर की फिल्में। आपने बहुत सारी एक्शन फिल्म भी की, आपने दूसरी तरीके की भी फिल्में की है, पर कोई एक ऐसा जॉनर जो आपको पसंद हो करना ज्यादा? करना या देखना? करना करना मुझे एक्शन करने में बड़ा मजा आता है। हालांकि अभी तक मौका उरी में ही मिला था और अब जो मैं कर रहा हूँ उसमें बहुत सारा एक्शन है, पर एक्शन देखने में भी और करने में भी बड़ा मजा आता है। और जब आपने कहा कि फिल्में आप देखते रहते थे, अभी भी कुछ देख, अब जब एक्टर हैं आप, एस्टैब्लिश्ड एक्टर, तो आप देखते होंगे, कोई एक ऐसी फिल्म में रोल देखा आपको जो लगा कि ओहो आई विश आई डिड दैट? नहीं, पता है मुझे स्ट्रेंजली ऐसा कभी नहीं लगता है, स्पेशली फॉर फिल्म्स दैट आई रियली एंजॉय। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इतना मैंने एंजॉय किया, मुझे इतनी अच्छी लगी, मुझे इसको कोई ना छुए। यू नो, ये बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रहनी चाहिए। मुझे कभी वो मन ऐसा मन करता है कि हाँ ऐसा कुछ मिले, पर ये नहीं लगता कि हाँ ये रोल चाहिए था और इसी फिल्म में चाहिए था, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। पर ये लगता है कि हाँ मैं भी कुछ ऐसा अच्छा करूँ। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स कि आप, जरूरत भी होती है कि कोई बताए कि आपने अच्छा काम किया है। Did you need that? And शुरुआत में of course, वो और वो आप हर जगह देखते हो, अपने परिवार की तरफ देखते हो, दोस्तों की तरफ देखते हो, जो आपको पता है बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन बताएंगे अपने, आप लोगों की तरफ देखते हो, आप क्रिटिक्स की तरफ देखते हो, हर जगह देखते हो और वो वैलिडेशन चाहते हो जब आपको नया नया काम मिल रहा होता है। धीरे धीरे क्या होता है कि आप स्टिल वो वैलिडेशन के भूखे होते हो, पर आपको अंदर से एक पता होता है, आप पहले अंदर झांकना शुरू करते हो कि अंदर से तुम्हें पता है कि काम यार हुआ है टक्कर का या नहीं हुआ है, तो वो धीरे धीरे होता है फिल्म दर फिल्म, पर शुरुआत में तो ऑफ कोर्स दी आउटवर्ड वैलिडेशन ज्यादा मैटर करती है, आप ढूंढते रहते हो उसे। और अब इनवर्ड भी ऐड हो गई, आउटवर्ड अभी भी है, पर उसमें पहले एक इनवर्ड भी आता है कि मन से पहले आता है कि हाँ यार तू सेटिस्फाइड है कि नहीं, तूने पूरा दिया कि नहीं इसे, इस काम को, तो वो पहले सवाल आता है, जो पहले शुरुआत में हमेशा ये होता था कि दूसरों को कैसे लग रही है। एक दोहा है ना कबीर का, निंदक नियरे राखियो, तो आपके निंदक आसपास कौन है, क्रिटिक्स कौन है आपके? आई थिंक मेरा परिवार। परिवार वो बिल्कुल साफ मुझे बोल देते कि यार विकी ये अच्छा लगा, ये ठीक था, ये हमें समझ नहीं आई, तो वो बिल्कुल साफ साफ बता देते। सबसे सख्त, सबसे कड़ी आलोचना कौन करता है? डिपेंड करता है फिल्म कैसी थी। मेक अ हिस्टोरिकल फिल्म, इट रिक्वायर्स अ सर्टेन काइंड ऑफ बजट एंड नॉट एवरी प्रोड्यूसर हैज दैट बजट, क्योंकि अगर आप हिस्टोरिकल फिल्म बना रहे हो और रियल लाइफ हीरो पे बना रहे हो, तो वो कुछ रिक्वायरमेंट्स भी होती है कि उसको अगर सच्चा दिखाना है तो उस समय की गाड़ियाँ, उस समय के कपड़े, उस समय का माहौल, उसकी ऑथेंटिसिटी को क्रिएट करने में एक लेवल ऑफ बजट लगता है, विच इज़ नॉट एक्सेसिबल टू एवरी प्रोड्यूसर। बनाना हर कोई चाहता है, पर उसे सही तरीके से बनाने के जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत कम के पास है। पर अभी ये बात तो हो ही रही है, विच आई एम ऑल्सो सेंसिंग that people are interested, the makers are interested, ki let's dig our own history and find our own heroes and get the youth connected back to them, because unhi se inspire hoke hum aaj ki society ko aur better kar sakte hain, hum better ho sakte hain as citizens of this country, so that change is definitely there. Jhijke mat taaliyan bajaye, zor se dil kar rahe the. Ye sahi kaha aapne ki एक बेहतरीन जरिया है, भले ही वो बजट की कॉन्स्टेंट, लॉजिस्टिक्स की कॉन्स्टेंट, आपने कहा भाई बहुत सारी फिल्में इधर बनी भी, कुछ उसमें से लव स्टोरीज भी रहीं, जैसे कि बाजीराव मस्तानी हो या दूसरी जोधा अकबर हो, लेकिन फनी सिल्वन जैसी फिल्म पर बहुत ह्यूज बजट, पर ये कहानियाँ जो हैं वो सामने आ रही हैं। इनसे हटके अब ये जो फिल्म आपकी है, इसमें आपने मेघना गुलजार ने डायरेक्ट किया है, फिल्म को लिखी है, मेघना गुलजार, भवानी अय्यर और सामने जी, और आपने मेघना गुलजार के साथ पहले भी काम किया है, जिन जिन डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया है, जाहिर है सबकी अपनी अपनी खासियत, जैसे कि एक्टर्स की होती है अपनी अपनी खासियत होती है, तो मेघना गुलजार एज अ डायरेक्टर आपको उनमें क्या अलग लगता है? दो तीन चीज़ें हैं जो मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ। पहले तो उनकी एक सहजता है, एक सादगी है जो वो अपनी कहानियों में लेकर आती है और अपने किरदारों में भी लेकर आती है। वो कहीं भी बहुत लाउड नहीं होते, कहीं भी बहुत उनके अंदर एक डिग्निटी होती है जो मुझे बहुत पसंद है, जो वो लिखती हैं, जो जैसे वो एग्जीक्यूट करती हैं। और दूसरा ये है कि वो शी हैज़ एन आई फॉर ऑथेंटिसिटी, शी ट्राइज हर बेस्ट। जैसे इस फिल्म में भी व्हेन इट केम टू आर्मी यूनिफॉर्म,
she made sure, chahe wo pre-independence ho, post-independence ho, period specific badges bane, usi fabric ke kapde bane, usi color ke kapde bane, medals ho, wo sare army se wet ho ke aate the, aur phir wo medals chadhaye jaate the, usi rank ke medals hote the. So all those things, chahe bere pehna ho, aur humne kai baar ek achha take bhi retake kiya hai, kyunki तीसरे रो में जो इंसान है जो आर्मी का रोल कर रहे हैं उनके बैच में थोड़ा सा प्रॉब्लम था. सो दैट लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी मेघना ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ. सो दैट इज समथिंग दैट आई रियली रियली एडमायर अबाउट हर. तो सहजता, आई फॉर द डिटेल्स. हाँ, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत खास हैं. सैम बहादुर के अलावा आपकी और भी फिल्में आ रही हैं और ये जो लुक है वो सैम बहादुर का नहीं है. ये लुक सैम बहादुर का नहीं है. ये मैं अभी एक फिल्म जो शूट चल रही है मेरी, वो है मराठा के एक वॉरियर थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे, छत्रपति संभाजी महाराज. तो अभी उस पे फिल्म बन रही है. हाँ जी, तो उनका रोल अभी अदा कर रहा हूँ, तो ये ताकि नकली दाढ़ी ना लगाना वो लगानी पड़े इसलिए. बिल्कुल, आपने सही कहा. और ये सवाल भी मेरे जहन में था तो कि हमारा इतना समृद्ध इतिहास है, इतनी रिच हिस्ट्री है, पर हमने इतनी ज़्यादा हिंदी फिल्मों की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल्स इतनी बनी नहीं है. कहीं कुछ छूटा है और अब लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत. वी नीड टाइम एंड इफ आई गेट टाइम आई विल मेक श्योर वी विन द वॉर. और उस जंग के लिए भी उन्होंने 1.5 महीने मांगे थे कि जंग ये 1.5 महीने में हम जीत जाएंगे, वो भी उन्होंने 13 दिन में जीत के दिखाई थी. और 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो आज तक की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है. एंड देन टू गिव देम द रिस्पेक्ट ऑफ सोल्जर्स एंड देन सेंड देम बैक टू देयर ओन कंट्री, इट इज ओनली सैम मानेकशॉ सर हु कुड हैव डन ऑल ऑफ दिस. तो इट इज़ द स्ट्रैटेजी बिहाइंड दैट. सो मुझे वो सारी चीज़ें समझना उनके पर्सपेक्टिव से, इट वॉज अ ह्यूज ऑनर. आपने जब उजड़े, बस ये तमाम चीज़ें हुई, इस फिल्म को करने के दौरान किस तरह के तजुर्बे हुए आपको, क्योंकि बहुत डेप्थ में आपने रिसर्च भी की होगी और वो पूरी चीज़ें एक तरह से, वॉज इट लाइक री लिविंग द होल थिंग? सी, बिकॉज द फिल्म इज सैम बहादुर, इसमें जितने जंग के वो हिस्से रहे हैं वो सबको उनके नज़रिए से देखा गया है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कैसी थी, उनका उस पर प्रभाव क्या था. सो उस फिल्टर के साथ, उस लेंस के साथ मुझे उसे समझने का मौका मिला. जैसे व्हेन इट कम्स टू, फॉर एग्जांपल, जो आपने 1971 की वॉर की बात की, तो उसमें ही वॉज द आर्मी चीफ. तो एज अ स्ट्रैटेजिस्ट जो उन्होंने, जैसे अब तो ये कॉमन नॉलेज है कि जैसे अप्रैल में ही 1971 अप्रैल में ही इंदिरा गांधी जी ने उनसे कहा था टू कि वॉर कर लीजिए आप, कि आप जाइए और ये लड़िए, एंड ही हैड सेड नो बिकॉज हमारे क्लाइमेट हमारे फेवर में नहीं थे, रिसोर्सेज फेवर में नहीं थे. 1971 का जो युद्ध है भारत पाकिस्तान, और जिसके बाद में बांग्लादेश अस्तित्व में आया, हम सब जानते हैं कि ये इसकी पृष्ठभूमि है उस युद्ध की. सक्सेस इज अ बिग थिंग, हाउ डू यू मैन, यू नो, अ सक्सेसफुल वुमन, वो आप कैसे करते हैं? नहीं, देखिए, इट्स वेरी सिंपल. जब आप किसी के साथ प्यार करते हैं ना, तो प्लस माइनस सबके साथ प्यार होता है. और प्यार कभी सक्सेस फेलियर से नहीं होता, प्यार उस इंसान के अंदर जो दिल है, जो सोल है, उसके साथ हमेशा प्यार होता है. तो मुझे प्यार अपने दिल और सोल से हुआ, ये सब मैटर नहीं करता. थैंक यू सो मच. थैंक यू विकी कौशल, ऑल द बेस्ट. आपको बहुत बहुत मुबारक हो आपकी नई फिल्म. उम्मीद करते हैं कि कामयाब भी होगी. वक्त है.